क्वेश्चन 21। 4 लाख ऑर्डिनरी शेयर 50 सेंट, 2 लाख डॉलर, शेयर प्रीमियम बैलेंस है 70,000 का, रिटेन अर्निंग बैलेंस है 2,30,000। अच्छा, शो इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर फॉलोइंग। ए वन फॉर अच्छा, क्या है शो इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर फॉलोइंग। अच्छा, वन फॉर टू बोनस इशू, ठीक है। पहले बोनस शेयर इशू हो रहे हैं 1 for 2। एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं? 4 लाख हैं। बोनस शेयर इशू करते हैं 4 लाख × 1/2, तो 2 लाख बोनस शेयर इशू होंगे। तो अभी पार वैल्यू क्या है इनकी? पार वैल्यू कितनी है? 50 सेंट। अच्छा, अब इसमें एक नया पॉइंट है, समझ रहे हैं। 2 लाख शेयर इशू हो रहे हैं, पार वैल्यू कितनी है? 50 सेंट। 2 लाख मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, कितना आ गया? 1 लाख। अच्छा, 1 लाख आ गया, 1 लाख के बोनस शेयर इशू हो रहे हैं। और यहाँ देखें, शेयर प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस कितना है? और बोनस शेयर हम इशू कर रहे हैं 1 लाख के, बाकी 30,000 कहाँ से आएंगे? हाँ, तो बाकी के 30,000 हम लेंगे रिटेन अर्निंग्स, ठीक है। तो बोनस शेयर पहले हम इश्यू करते हैं शेयर प्रीमियम से, प्रीमियम अगर कम हो तो बाकी अमाउंट पे रिटेन अर्निंग से ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें 3 एंट्रीज बनेंगी, शेयर प्रीमियम डेबिट 70,000, रिटेन अर्निंग डेबिट 30,000, शेयर कैपिटल क्रेडिट 100,000। अब एक नया पॉइंट है, ये या आपको याद रखना है। बोनस के बाद इसमें बी अ राइट इश्यू ऑफ 1 for 3 at 75 एंड फॉलोइंग द बोनस इशू अज्यूमिंग ऑल राइट्स टेकन अप। अच्छा, देखिए एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं? 2 4 लाख। बोनस शेयर्स इशू कितने किए हमने? 2 लाख। टोटल हो गए 6 लाख। 6 लाख को हमने राइट शेयर इशू करने हैं, और रेशियो है 1 for 3 का, ठीक। अब देखेंगे 6 लाख × 1/3, तो 2 लाख राइट शेयर्स इशू होंगे। और रेट क्या दिया इसका? 75 सेंट, ठीक है। तो अब इसको 2 लाख मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 से, तो कैश आएगा 1,50,000। कैपिटल क्रेडिट होगा पार वैल्यू से, पार वैल्यू कितनी है? 50 सेंट। ये शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख से, तो बाकी आपका शेयर प्रीमियम हो जाएगा 50,000। अकाउंट्स ओके कैपिटल का बैलेंस है 2 लाख, शेयर प्रीमियम 70,000, रिटेन अर्निंग 2,30,000। इसमें 3 अकाउंट बनेंगे, कैपिटल आ गया 2 लाख, शेयर प्रीमियम 70,000, ठीक। पहले ये 2 अकाउंट बनाते हैं, इसके बाद फिर रिटेन अर्निंग अकाउंट बनाएंगे। पहली एंट्री क्या बनाई हमने? बोनस शेयर्स की, शेयर प्रीमियम डेबिट, रिटेन अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया। अच्छा, मैंने राइट्स की पहले पोस्ट की हुई है इसमें, तो राइट्स इशू देख लेते हैं पहले। राइट्स इशू की क्या है? बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट 1 लाख, शेयर प्रीमियम क्रेडिट 50,000। अब बोनस इशू, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम डेबिट। अच्छा, ये मैंने स्प्लिट किए दोनों रिटेन अर्निंग के साथ अलग अलग। पहले 70,000 से एंट्री बन गई, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम डेबिट। सेकेंड हो गया फिर शेयर कैपिटल क्रेडिट, और रिटेन अर्निंग आपका डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ अलग अलग इसको शो कर दिया कि 70,000 प्रीमियम से आया, 30,000 रिटेन अर्निंग से आया। डायरेक्ट आप 1 लाख भी लिख सकते हैं, आंसर तो आपका सेम आएगा, लेकिन ये प्रॉपर तरीका ये है इसको लिखने का, ताकि वो डबल एंट्री कंप्लीट हो, रेफरेंसिंग कंप्लीट होगी ना। तो यहाँ पे जब रिटेन अर्निंग अकाउंट बनाएंगे तो वो फिर यहाँ डेबिट हो जाएगा 30,000 से, डिस्क्रिप्शन में लिख लेंगे शेयर कैपिटल, ये उसके साथ डबल एंट्री कंप्लीट होगी। एग्जाम में तो अगर आप 1 लाख भी लिख देंगे डायरेक्ट, तो आंसर वही आएगा। अकाउंट क्लोज कर लेते हैं, ये इसका बैलेंस आ गया। प्रीमियम अकाउंट क्लोज करते हैं, प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस आ गया 50,000। इसके बाद रिटेन अर्निंग अकाउंट बनेगा,
तो रिटेन अर्निंग का बैलेंस है 2,30,000, इसमें से ये बोनस शेयर इशू किए 30,000 के, तो 30,000 से ये डेबिट हो जाएगा, रिटेन अर्निंग डेबिट। अकाउंट क्लोज करते हैं, इसका बैलेंस आ गया 2 लाख। ठीक है, पहले देख, क्लियर हो गया। ठीक है, बैक कर देता हूँ, कॉपी कर ले इसको, पहले समझ ले बात। ओके, क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा, यहाँ पे टॉपिक में चेंज आएगा और यहाँ हम बात करेंगे आप इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, अच्छा देखिए, हर बिजनेस जो है वो अपने प्रॉफिट पे टैक्स देता है गवर्नमेंट को, हर बिजनेस अपने प्रॉफिट पे टैक्स देता है ना। ठीक है, जो इंडिविजुअल होते हैं वो अपनी सैलरी पे इनकम टैक्स देते हैं, और जो कंपनीज होती हैं वो अपने प्रॉफिट पर टैक्स पे करती हैं। सही, अच्छा टैक्स, ठीक है, अच्छा तब उससे रिलेटेड यहाँ पे एक क्वेश्चन ही करते हैं सॉल्व, और इसके एंट्रीज वगैरह बना लेते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन था जो आता है एग्जाम में, उसका ये पूछता है आपसे कि करंट ईयर के टैक्स एक्सपेंस बता दें कितने होंगे और टैक्स पेबल का क्या अमाउंट होगा, दो चीजें। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे डिटेल में, तो आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। एग्जाम में सिर्फ आपसे ये पूछेगा कि इनकम स्टेटमेंट में टैक्स एक्सपेंस का क्या अमाउंट चार्ज होता है और बैलेंस शीट में टैक्स पेबल का क्या अमाउंट आता है। पहले तो आप ये फॉर्मूले जरा लिख लें जो कि हमने यूज करने, ये फॉर्मूले यूज होंगे, आपके आंसर आ जाएंगे, और इसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके इसके लॉजिक समझ आ जाएगी, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ये कॉपी कर लें पहले, क्वेश्चन नंबर 24। जैसे 3 इयर्स का डेटा दिया हुआ है, वन बाय वन सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट पैराग्राफ रीड कर लेते हैं। ओके, अब क्या लिखा था, जेरी वैली कमेंस ट्रेड ऑन 1 जनवरी एंड 2004 एंड एस्टिमेट डेट इनकम टैक्स पेबल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर आर 1,50,000। अच्छा, ईयर एंड पे एस्टिमेट निकाला था, देखिए इसमें एक कंपनी का एक फाइनेंशियल ईयर एंड होता है और एक आपका इनकम टैक्स का ईयर एंड होता है। ठीक है, दोनों की डेट्स नॉर्मली डिफरेंट होती हैं, तो हम करते क्या है कि ईयर एंड पे एक अमाउंट एस्टिमेट कर लेते हैं प्रॉफिट को देखते हुए कि इस साल टैक्स कितना बनेगा, और एस्टिमेटेड अमाउंट से हम वो टैक्स चार्ज कर देते हैं। उसके बाद जब एक्चुअल पेमेंट का टाइम आता है उस वक्त फिर एक्चुअल टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, और जो एक्चुअल अमाउंट बनता है वो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। ठीक है, अच्छा ईयर एंड पे हमने एस्टिमेट कितना किया, 1,50,000। इसकी एंट्री बनाते हैं, क्या एंट्री होगी ईयर एंड पर, इनकम टैक्स सिग्नेचर क्या बैठे एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और पेबल आपका एंट्री हो जाएगी, इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट और इनकम टैक्स पेबल क्रेडिट। अच्छा, ये तो हो गई एंट्री आपकी 31 दिसंबर पे। ठीक, अच्छा अब ईयर एंड पर इनकम स्टेटमेंट बनेगा, उसमें इनकम टैक्स एक्सपेंस कितने चार्ज होंगे, 1,50,000, और बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें टैक्स पेबल कितने रिकॉर्ड होंगे, 1,50,000, क्योंकि ये पहले साल है, पहले साल कोई एडजस्टमेंट नहीं होती। ठीक, अच्छा तो इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट, इसमें इनकम टैक्स एक्सपेंस चार्ज होंगे 1,50,000, और बैलेंस शीट में इनकम टैक्स पेबल रिकॉर्ड हो जाएगा 1,50,000। ये तो इसका पहला ईयर कंप्लीट, यहाँ तक कॉपी कर लें। ओके, टू थाउजेंड फोर कंप्लीट हो गया, अब 2005। अच्छा, इन सितंबर 2005 अकाउंटेंट्स ऑफ जेरी रिसीव्स एंड पेज इनकम टैक्स डिमांडेड फॉर 1,63,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2004। अच्छा, 4 का हमने एस्टिमेट कितना किया था, टैक्स एस्टिमेट किया था 1,50,000, और एक्चुअल टैक्स कितना बना, 1,63,000। अभी हम पे करेंगे गवर्नमेंट को ना। अच्छा, पेमेंट की एंट्री क्या होगी, तो इनकम टैक्स पेबल डेबिट होगा और कैश बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, इनकम टैक्स पेबल हमने देखे रिकॉर्ड कितने से किए थे, लाइबिलिटी 1,50,000, इनकम टैक्स पेबल तो डेबिट होगा 1,50,000 से। अच्छा, पे कितना कर रहे हैं, 163, कैश या बैंक क्रेडिट होगा 1,63,000। ठीक, डिफरेंस कहाँ जाएगा, 13,000 का डिफरेंस आ रहा है एस्टिमेटेड और एक्चुअल अमाउंट में ना,
तो एस्टिमेट हमने किया था 1,50,000, एक्चुअल टैक्स बना 1,63,000, तो 13,000 का इंक्रीज आ रहे हैं, यानी कि हमने अंडर एस्टिमेट किया था, तब हम अपने एक्सपेंस को इंक्रीज कर देंगे। ठीक, तो ये आपका इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा 13,000। इस साल पे हो, अगले अगले साल चार्ज होगा ना, साल स्टेबल डेबिट होगी फिर होगी हाँ देगी 150 कहाँ पे गया, पेबल था ये, हमने लास्ट ईयर पेबल कितने रिकॉर्ड किए थे, पेबल 150 से डेबिट होगा ना, अकाउंट क्लोज तो कोई बता रहा ना, पेबल तो हमने रिकॉर्ड किए थे 150 से, वो तो डेबिट हो गया खत्म, पे कितने किए, ठीक अब 13,000 कहाँ जाएंगे, वो एक्सपेंस पे चले जाएंगे ना, क्योंकि हमने एक्सपेंस कितने रिकॉर्ड किए थे पिछले साल 150, तो एक्सपेंस बढ़ गए ना, यानी कि लास्ट ईयर हमने अंडर एस्टिमेट किया था, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सिक्सटी थ्री पे कर रहे हैं ना, 163 13,000, अच्छा अभी कंप्लीट करते हैं, बताता हूँ रुके दस सवर करें। अच्छा ये था 2004 का टैक्स जो हमने 2005 में पे कर दिया, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, एट 31 दिसंबर 2005 ये एस्टिमेट्स, अब ये करंट ईयर की बात हो रही है, दैट द कंपनी ओज 165,000 फॉर इनकम टैक्स इन रिलेशन टू ईयर एंडेड दिसंबर 2005। अब ये करंट ईयर का एस्टिमेट कितना किया हमने, 165, पी एन टी बनेगी 31 दिसंबर पे, इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट और इनकम टैक्स पेबल ट्रेड हो जाएगा। तो पहली एंट्री थी लास्ट ईयर का टैक्स हमने पे किया, और सेकंड एंट्री हमने करंट ईयर का टैक्स रिकॉर्ड कर, ठीक है क्लियर। अच्छा अब ये बताएं, अब ईयर एंड पर इनकम टैक्स इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें इनकम टैक्स एक्सपेंस कितने चार्ज हो, हाँ तो देखिए ये 13,000 डेबिट हो रहे हैं, ये 165 डेबिट, इनकम टैक्स तो दोनों को ऐड कर लेंगे, तो टोटल टैक्स एक्सपेंस बनेंगे 1,78,000। पेबल आप पेबल 165 ही रहेगा, पेबल 165 रहेगा, लेकिन चार्ज कितने होंगे, 1,78,000, 165 करंट ईयर एस्टिमेट, 13,000 लास्ट ईयर का अंडर एस्टिमेट, तो वो इस साल में एडजस्ट हो, सही। तो वो देखिए जो फॉर्मूला पहला लिखवाया था मैंने, वो आपको समझ आएगा, उसमें लिखा गया था करंट ईयर एस्टिमेट प्लस लास्ट, सेकंड वाला देखें, करंट ईयर एस्टिमेट प्लस लास्ट ईयर अंडर एस्टिमेट, तो लास्ट ईयर हमने 13,000 अंडर एस्टिमेट किए थे, वो इसी ईयर में चार्ज होते हैं। अब इनकम स्टेटमेंट में चार्ज कितने करेंगे, 178,000, तो बैलेंस शीट में टैक्स पेबल कितना आएंगे, 165,000, सही क्लियर। अच्छा ओके 2006 इन सितंबर 2006 अकाउंटेंट ऑफ जेरी रिसीव्स एंड पेज द टैक्स डिमांडेड फॉर 160,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। सब 2005 का एस्टीमेट किया था 165,000, एक्चुअल टैक्स बना 160,000, इनके हमने लास्ट ईयर ओवर एस्टीमेट कर लिए, ठीक है। अब इसको पहले रिकॉर्ड करते हैं, लिस्ट की एंट्री हो जाएगी, इनकम टैक्स पेबल डेबिट को 165 से ही होगा, ये कितने कर रहे हैं 160,000, एंड क्रेडिट हो जाएगा, और अभी हमने लास्ट ईयर ओवर एस्टीमेट किए थे तो एक्सपेंस कम हो गए, तो इनकम टैक्स एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 5,000, तो ये ओवर एस्टीमेट की एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अच्छा इसके बाद करंट ईयर टैक्स एस्टीमेट कितना है, हम 1,70,000 रिकॉर्ड करते हैं, इसकी एंट्री होगी इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट, इनकम टैक्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इनकम स्टेटमेंट में इनकम टैक्स एक्सपेंस कितने चार्ज होंगे, एक्सपेंस इनकम टैक्स एक्सपेंस कितने चार्ज होंगे, इनकम टैक्स एक्सपेंस देखिए 170,000 से डेबिट किया यहाँ पे हमने सेकंड एंट्री में, और ये 5,000 से क्रेडिट किया है, तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस, तो बैलेंस क्या आएगा 165,000, तो इनकम स्टेटमेंट में इनकम टैक्स एक्सपेंस चार्ज हो जाएंगे वन, तो फॉर्मूला देख ले हम क्या लिखा है, हाँ तो करंट ईयर एस्टीमेट माइनस लास्ट ईयर ओवर एस्टीमेट,
तो इनकम स्टेटमेंट में इनकम टैक्स एक्सपेंस चार्ज होंगे 1,65,000। अच्छा, बैलेंस शीट में इनकम टैक्स पेबल का क्या अमाउंट आएगा? 1,70,000। ठीक, तो बैलेंस शीट में हमेशा करंट ईयर एस्टिमेट आएगा, सही है।